इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट को मना लिया है और बागी विधायक अब राजस्थान मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सचिन पायलट कौन सी शर्त पे कांग्रेस के साथ में आने को वापस राजी हुए। राजस्थान में सियासी संकट में नया मोड़ सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सचिन पायलट और उनके विधायक की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए पार्टी एक कमेटी बनाएगी जो पायलट और उनके समर्थक विधायकों की मांग पर गौर करेगी। आज ये खबर सामने आई थी कि सचिन पायलट इस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लगातार संपर्क में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को मनाया। सूत्रों ने बताया कि राहुल और प्रियंका नहीं चाहते थे कि सचिन पार्टी से अलग हो, ऐसे में वह खुद इस मामले में सामने आकर सचिन पायलट से बात कर रहे हैं। सूत्रों ने जानकारी दी कि इस बार सचिन पायलट मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। कहा जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से सचिन पायलट ने मुलाकात की। अब राहुल और प्रियंका कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करके उन्हें पूरी जानकारी देने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल और प्रियंका ने 12 तुगलक लेन पर सचिन और उनके विधायकों से मुलाकात की है। इसके साथ ही सचिन पायलट को राजस्थान से दूर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि सचिन पायलट अब खुद ही नहीं चाहते कि राजस्थान में उनको कोई बड़ा पद दिया जाए और कांग्रेस पार्टी भी अन्य जगह पे उनको कोई बड़ा पद देने के लिए राजी हो गई है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो भी फैसला लेगा आलाकमान लेगा। सचिन पायलट के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के राजनीतिक संकट पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अभी तक उनके पास किसी भी बागी विधायकों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है। आलाकमान अपने विवेक से जो भी फैसला लेगा अच्छा ही फैसला लेगा, हम सभी उस फैसले को मानेंगे। यदि सचिन पायलट और बागी विधायक राजस्थान आना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर पूरी सुरक्षा है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आगे भी काम करती रहेगी। रविवार को मीडिया से बात करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद जीत का भरोसा जताया था। हॉर्स ट्रेडिंग के व्यापार के प्रयासों को विफल बताते हुए सीएम ने कहा कि राज्य के लोग कांग्रेस सरकार के साथ है। उन्होंने यह दावा भी किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लक्ष्य राज्य सरकारों को पछाड़ना है। गहलोत ने कहा कि ऐसे लोग सत्ता में हैं। राजस्थान के सीएम ने वहीं उल्लेख किया कि उन्होंने सभी विधायकों को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि वे लोगों की आवाज है। उन्होंने उनसे अपने विवेक के अनुसार कार्य करने का आग्रह किया। गहलोत ने आरोप लगाया कि उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं है और सैकड़ों बाउंसरों से गिरे है। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग और 19 पायलट खेमे के विधायकों पर अभद्रता करने के आरोपी भाजपा नेताओं के खिलाफ हर घर में घुसा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ज्यादातर असंतुष्ट विधायक इस बात को समझेंगे और कांग्रेस के पाले में लौटेंगे। वहीं कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह है कि सचिन पायलट आखिरकार मान गए, ऐसा सूत्रों से संकेत मिले। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 19 विधायकों को बर्खास्त कर दिया जिसके कारण प्रदेश में संकट है, जिसमें बर्खास्त डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल है। दूसरी ओर गहलोत खेमे से संबंधित कांग्रेस विधायक हॉर्स ट्रेडिंग के कथित प्रयासों को रोकने के लिए जैसलमेर में रुके हुए। कथित अवैध प्रयासों को रोकने के लिए भाजपा ने अपने कुछ विधायकों को गुजरात भी भेजा है, क्योंकि उनको भी अब डर सताने लगा है कि कहीं उनके विधायक टूट ना जाए।